कुत्ते भी काफी परेशान करते हैं, काट भी लेते हैं। कितने पैसे मिलते हैं सैलरी? 445 रुपए होते हैं। मजबूरी में कर रहा, बाकी आप कोई भी खुशी से नहीं कर रहा। इस वक्त मैं गुरुग्राम में हूँ, हम लोग रियलिटी चेक करने निकले हुए थे यहाँ पर, कानून व्यवस्था का, सेफ्टी का। मुझे मिल गया मेरा एक भाई, फूड डिलीवरी करते हैं ये। क्या नाम भैया आपका? सरोज कुमार। सरोज, सरोज जी बड़ा प्यारा बोलते हैं। इनसे बातचीत की तो इनसे पूछा कि कितने बजे घर से निकले थे सुबह और कितने पैसे कमा लिए और कितने टाइम से ये कर रहे हैं। सरोज भाई कितने टाइम से कर रहे हैं डिलीवरी का काम? ये कर रहा हूँ मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ। 2-3 साल से? हाँ। इस वक्त मैं आपको बता दूँ रात के 1 बज चुके हैं और ये लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद काम करोगे? बंद कर दिया वो रात को, दिक्कत पूरे गेट बंद हो जाता है और जो है कि कुत्ते भी काफ़ी परेशान करते हैं, काट भी लेते हैं। कभी काटा कुत्ता? हाँ, 2 बार काट भी लिया। इंजेक्शन लगवाए थे? हाँ लगवाया था। कंपनी ने लगवा के दिया, खुद लगवाया? कंपनी ने अपना पर्सनल लगवाया था। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं सैलरी? ये सैलरी पे नहीं होता है, वो ऑर्डर पे होता है। अच्छा, ऑर्डर पे होता है। कितने ऑर्डर का कितना पैसा मिलता है आपको? ये 10 ऑर्डर पूरे करो तो 500 रुपये हो, 445 रुपये होते हैं और 8 ऑर्डर करो तो यही 300 के लमसम देते हैं। परिवार में कौन कौन है? सारे फैमिली है। कौन कौन? घर परिवार, फैमिली, बच्चे सब है। बच्चे भी आते हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 है। पढ़ाई करते हैं? अभी छोटे हैं, 2-3 साल के है। तो गुजारा चल जाता है घर का? सर सिंपल सब कुछ चलाना पड़ता है, चल जाता है। अच्छा, ऐसे इसी तरह से हंसते हंसते काम करते हैं? रोके भी क्या होगा, रोके भी क्या होगा। आपकी स्माइल बहुत प्यारी, पता है आपको? कर ले, किसी ने बोला, भाभी जी ने बोला, आपकी वाइफ ने बोला आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। सब तो ये फैमिली की, ये भी फैमिली के दिन है। हाँ सब ठीक है। दिक्कत तो बहुत होंगी पैसे की वजह से, परेशानियां तो होंगी। दिक्कत तो होती है तो वो उसको खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं, दूसरे को बताने से थोड़ी ना मैनेज होगा वो। ये जिंदगी है, ये लाइफ है और घबराना नहीं, परेशानी यूं ही मुस्कुराते रहना। हाँ ऐसे ही चलते हैं। वो थोड़ी सी रात को दिक्कत होती है क्योंकि गाड़ी भी काफी तेज चलते हैं और गेट भी सभी तरफ के बंद हो जाते हैं, पता नहीं कहीं कहीं के खुले रहते हैं और कुत्ते भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कुत्तों से बड़े डरे हुए हैं आप? हाँ, वो कई बार 2 बार काट भी लिया है और जो है कि कई जगह के कुत्ते बहुत खराब करते हैं वो। फिर सिविल हॉस्पिटल में जाओ तो फिर पैसे ही से इंजेक्शन लगते हैं, 105 रुपये पर इंजेक्शन लेते हैं। कितने साल से कर रहे हो ये काम? ये मेरे को हो गया कम से कम 3 साल से हो गया। पूछा जाए कि एक फूड डिलीवरी करने वाले की जो लाइफ होती है, जिंदगी होती है, सरोज भाई कैसी होती है? सर क्या दिक्कतें आती है बताओ। इसमें दिक्कतें आती है, अब कोई गाड़ी वाला है उसको गाड़ी छीन लेते हैं, चलते रहते मोबाइल छीन लेते हैं। ओ, अच्छा। हाँ वो साइकिल पे चलते हैं आप? हाँ मैं तो साइकिल पे ही चलता हूँ। मोबाइल वगैरह छीना गया कभी? हाँ 2 बार छीन लिया था। ये देखो प्रॉब्लम भी होती है, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं है, परेशानी नहीं है। पहले तो कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते थे, अब तो बिल्कुल जो भी बंदा कर रहा है वो बिल्कुल अंदर से मतलब वो रोता रहता है। हाँ अंदर से वो रोता रहता है, मजबूरी में कर रहा, बाकी आप कोई भी खुशी से नहीं कर रहा। पहले तो ठीक था लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद पैसे गिराते 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 अब आपको 20-25 रुपये में 4 किलोमीटर भेज दिया और फिर वहाँ से रिटर्न भी आते हैं बंदे, बहुत दिक्कत है। तो आप 11 बजे निकले थे घर से, अब 1 बज चुका है, लगभग 14 घंटे हो चुके हैं और कितना पैसा कमाया? 300 रुपये? नहीं 300 से ज़्यादा कमा लिया हूँ। कितना कमा लिया? ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये इसमें अभी दिखा रहा 500 की समथिंग दिखा रहा है, लेकिन ये सुबह दिखेगा वो अपडेट हो के आएगा ना तो वो सुबह दिखेगा। 500 रुपये कमा लिए हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों, आपको पता है आप एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, आप एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ही थोड़ी सी दिक्कत में परेशान हो जाते हैं। वो ये होता है ना सर, वो जो है कि अब कोई भूखा प्यासा हो तो वेट करता रहता है। समझे नहीं, आप लोगों के लिए एक मिसाल हैं, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है क्योंकि आप हंस रहे हैं इस परेशानी में भी।
नहीं, वो रात को थोड़ी परेशानी होती है, दिन में तो सही रहते हैं। यहाँ के पुलिस भी सही है, वो फोन करो पहुँच जाते हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके सरोज भाई, थैंक यू सो मच मुझसे बातचीत करने के लिए। और भगवान करे आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें और खुश रहें और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। बहुत लोग होते हैं, बहुत ही कम उनके पास जो है वो सहन शक्ति होती है, परेशान हो जाते हैं, पैनिक करते हैं, ज़िंदगी को इस तरह से जीते हैं जिस तरह से बोझ है। लेकिन सरोज जैसे भी हमारे कुछ भाई हैं, दिक्कतों के बाद, परेशानियों के बाद सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो इनसे सीखने की ज़रूरत है। क्या कहना है आपका हमारे इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगन टीवी के साथ। कैमरामैन सुमित के साथ अंकित वर्मा, सौगन टीवी, गुरुग्राम। बाय बाय। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।